आज हमारे साथ हैं सदीशा रत्ना पाठक साहब। मेरे सीरियल के मम्मी पापा, मामा, मॉम एंड डैड। लेकिन रूपाली नहीं आई। आह, इतनी खुश हो गई थी। अरे यार, ऐसे कैसे, मतलब रूपाली नहीं है तो फिर शो नहीं, रूपाली आएगी आएगी, मगर जब तक वो नहीं आती तब तक कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर लेना। जितनी इंटरेस्टिंग बातें हो तो तुम ही करोगी उसके बदले। नहीं, और वो रूपाली तो चाहिए ना, क्योंकि फाइनली इंस्पिरेशन हमें मिलेगी। हमारे जो बैंड वाले हैं वो भी देखो कितने मायूस बैठे हैं। Absolutely. हाँ, उनके लिए भी, I mean, Absolutely, she is necessary. Let's get her here. Yeah, yeah. Should be? Yeah, yeah. इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है आपकी, वो आ जाएगी। मैंने सुना है कि रूपाली जो है उसने साइकिल खरीदी है। साइकिल? हाँ। You mean वहाँ से वर्ली से साइकिल पे आने वाली है यहाँ? हाँ, वर्ली से साइकिल पे आने वाली है। और सतीश काका बता रहे थे कि वो गलती से जो है वो बैंड्रा वर्ली सीलिंग पे भी गई थी। हाँ, और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने? तो मेरा ये ख्याल है कि अगर वो गाड़ी में भी आती तो पुलिस पकड़ लेती। लेकिन रूपाली के बगैर ये, सॉरी सॉरी, रूपाली के बगैर ये नहीं हो सकता। रूपाली? यस। मैं रूपाली, तुमने मेकअप क्यों नहीं किया? इसीलिए हम डर गए। अच्छा रूपाली, बाय द वे बताओ क्या हो रहा है आजकल लाइफ में तुम्हारी, साइकिल के अलावा? अच्छा, साइकिल क्यों खरीदी? साइकिल खरीदी क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, तो मैंने सोचा कि दही से रोज शूटिंग करने जाती हूँ तो अब साइकिल पे जाऊंगी। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी, जिम में पैसे कौन वेस्ट करे। हाँ, मगर तुम्हारे पैसे पेट्रोल के तो प्रोड्यूसर देता होगा ना। हाँ, लेकिन क्या उसमें भी अंदर की बातें मत करिया करो। हम लोग यहाँ पर हमारे और एक सदस्य को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ। हाँ। जो कि मेरा छोटा भाई, मामा का फेवरेट लड़का और डैड का भी। अच्छा, ये तो हंस रहे हैं। नहीं, तो रोसेश आज हमारे बीच नहीं है। बीच रोसेश आज हमारे बीच नहीं है, तो मौन रखते हैं। मौन व्रत। गुजर गए रोसेश बाबा, 20 साल जी लिए यहाँ, शौक से कीजिए जी उनकी शोक शबा। नहीं, सॉरी सॉरी, गुजर नहीं गए हैं, गोवा गए रोसेश बाबा, 20 साल सता लिया मुझे। यस, हमारा जो रोसेश है वो पैसे कमाने के लिए गोवा चला गया है। पैसे कमाने के लिए मतलब शूटिंग करने गया है। आप, हाँ, हम, we miss you, Rosesh. Yeah, we all miss you, Rosesh. Okay, coming back to the show. Petrol prices बढ़ गई हैं, तो क्या है? Mom, what do you think? Well, we've got to bite the bullet at some point, don't we? Mm-hmm. लोगों ने गाड़ियाँ बेच के बुलेट खरीद ली है। That's true. But the bullet is a beautiful bike. But yeah, it's, मैं तो साइकिल ले ली, because मुझे बाइक चलाने नहीं आती। सही है। और इसमें आप अपना नहीं, पब्लिक का फायदा देख रही हो। क्यों? का फायदा क्यों? ये बाइसिकल चलाएगी, आई मीन ये अगर मोटरसाइकिल चलाएगी तो हाल क्या होगा जो लोग रास्ते पे चल रहे हैं। अभी तो बेचारी खुद ही का कुछ हाल ना हो जाए। वाली थी काका लूना वाली। हाँ। लूना तो लूना पूछ रही हो या बता रही हो? लूना थी, लेकिन फिर मुझे वो भी नहीं चलाने आता, तो फिर मैंने नहीं ली, मैंने साइकिल ही ले ली। तो ड्राइवर रखती ना लूना के लिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि इसके पास 21 कुत्ते हैं। राइट। एक मुर्गा है। यस। नहीं नहीं, मुर्गा मुर्गी दोनों है, गब्बर और मुन्नी। अच्छा। और एक गधा भी है, सोलो। अरे वाह, सोलो। हमारी तो मेनेजरी पर एक गधा है, ऑलरेडी एक गधी है। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एनिमल, ये देखिए, एनिमल लवर है। मतलब सतीश काका के यहाँ भी कुत्ते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कितनी हद तक उसे मैं बचाऊँ। मगर ये खुद जो बोले जा रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं निहत्ता हो चुका हूँ। सतीश काका बताएंगे क्या हो रहा है आजकल सर आपके साथ। आजकल कुछ नहीं हो रहा है, चक्कर ये है कि पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया उसके गम में, और ऊपर से एक आमिर खान का शो चल रहा है वो देख रहे हैं, इतनी मायूसी होती है देख देख के कि आई हिट द बॉटल इन अ बिग वे। इज इट द बॉटल? और पता चला कि उस पे भी एक साइज बढ़ गया। वो समझ में नहीं आता है लाइफ में करें तो करें क्या, सारी चीजें अब एक साइज बड़ी लेनी पड़ेगी। मुझे तो वैसे भी कपड़े एक साइज बड़े लेने पड़ते। ओके मॉम, व्हाट्स हैपनिंग विद यू?
नॉट मच एक्सेप्ट अ न्यू प्ले एज यूजुअल. मेरे तो नाटक ही चलते रहते. सो वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्ले कॉल्ड अ वॉक इन द वुड्स. आवर कंपनी मॉटली इज डूइंग दिस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट. आई एम नॉट एक्टिंग बट आई एम डायरेक्टिंग. क्या बात है. मुझे अभी भी वो दिन याद आते हैं जब हम लोग साथ में इकट्ठा बैठकर हम लोग खाना खाते थे और डब्बे जो खुलते थे. क्या बात है. रत्ना के घर से ये बड़े बड़े डब्बे. अरे नहीं साइज देखो अपनी साइज के हिसाब से इंसान लाएगा कि नहीं खाना. ये बड़े बड़े डब्बे. ये दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कॉस्मोपॉलिटन फैमिली. मतलब मैं साउथ इंडियन, ये दोनों गुजराती हैं, वो बंगाली महाराष्ट्रियन हैं, हमारा जो रोसेश है वो बिहारी है. तो मतलब एक कमाल का जो अच्छा यूपी है. हाँ यूपी वाला हमारा भी एंगल. पता नहीं कहाँ कहाँ के अलग अलग तरह का खाना आता था हमारे यहाँ. Her mom is a great cook. She used to send some wonderful stuff. His wife is a great cook. She used to send some wonderful stuff. I have a great cook at home. He used to send a wonderful quantity. That's my family, the mad family. Thanks a lot, guys. Thanks a lot talking to you. And thank mad you. Mad family का खिताब हमको इसकी वजह से मिला है. यहाँ पर लेते हैं पूर्ण विराम. ये थी मेरी मैड फैमिली. थैंक्स अ लॉट फैमिली. लव यू लव यू लव यू. जैसा कि आप देख रहे हैं इससे सुखी और पागल परिवार पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा. ब्रेक के उस पार है फुल टू मिडिल क्लास एडवाइस. कहीं मत जाना. मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद. बजाओ